सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन की लाइफ बड़ी कम होती जा रही है। पहले के स्मार्टफोन तो 8-10 साल तक आराम से चल जाते थे, लेकिन तब बात अलग थी और अब बात अलग है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि आप फ़ोन की लाइफ आसानी से बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे फ़ोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ये आता है, आप अपने फ़ोन को कभी अपडेट मत करिए। अब आप कहेंगे कि अपडेट नहीं करेंगे तो फिर नए फीचर्स कहाँ से आएंगे, पर मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। दोस्तों, आप किसी फ़ोन को 6 से 8 महीने चलाते हैं, फिर कंपनियाँ नए वर्जन का अपडेट जारी करती है जो कि 1, 2 या 3 GB तक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा हार्डवेयर तो वही पुराना होता है और हम भारी भरकम नया सॉफ्टवेयर चढ़ा देते हैं, जिससे होता यह है कि हमारा फ़ोन का हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर को हैंडल ही नहीं कर पाता है, जिससे कि फ़ोन में तरह तरह के परेशानियाँ आती रहती है, जैसे कि फ़ोन हैंग हो जाना, इंटरनल स्टोरेज भर जाना, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होना, वाईफाई कनेक्ट नहीं होना, ऐसी बहुत सी परेशानी आती रहती हैं। और मेरे खुद के फ़ोन पर यह प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि अपडेट करने के क्या नुकसान होते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों, आप अपने फ़ोन को ऑफिशियल चार्जर से ही चार्ज करिए, कभी लैपटॉप से, कभी पावर बैंक से, कभी दूसरे फ़ोन के चार्जर से। ऐसा आप चार्ज मत करिए, इससे बैटरी फ़ोन की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, आप फ़ोन की बैटरी को 20% से नीचे और 90% से ऊपर नहीं जाने दें। आप 20 से 90% के बीच फ़ोन की बैटरी को मेंटेन रखिए, इससे कि फ़ोन के बैटरी की लाइफ लंबी होती है। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह आता है दोस्तों, आप फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को खाली रखिए। अगर आप फ़ोन की मेमोरी को पूरा भरते हैं तो फिर आपके फ़ोन के कंपोनेंट्स पर इसका असर होगा, जिससे आपके फ़ोन में हीटिंग और हैंग होने की परेशानियां आ सकती हैं। आप जहां तक हो सके सारा डेटा मेमोरी कार्ड और क्लाउड में ही सेव करके रख सकते हैं। यहां पर पांचवा पॉइंट ये निकल कर आता दोस्तों, अगर आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप 15-20 मिनट के लिए सारा डेटा और कोई भी कनेक्शन है वो ऑफ करके रख दीजिए। हीटिंग के दौरान आप करते ये है कि आप लगातार उसे काम लेते रहते हैं, इससे आपके फ़ोन के अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, वह कैपेसिटर के शॉर्ट होने का भी खतरा रहता है। छठा, फ़ोन को कभी भी पूरी रात चार्ज मत करिए। सब कहते हैं कि यह 100% चार्ज होने के बाद ऑटो कट हो जाता है, लेकिन यह 100% सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो, आपकी भूख 4 रोटी की है, आपका पेट मना कर रहा है, फिर भी आप और खाते तो आपके पेट पर असर होगा कि नहीं? ऐसा ही बैटरी पर भी असर होता है। नतीजे आपको भले ही हाथ नहीं दिखे, पर इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, इससे बैटरी के सेल को नुकसान पहुंचता है। सातवां पॉइंट, अगर आप हैवी गेमिंग यूजर हैं और ज़्यादातर समय गेम खेलते रहते हैं तो आपका एक जॉयस्टिक खरीद लेना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा यह है दोस्तों, आपको गेम खेलने में मज़ा तो आएगा ही और इसके साथ आपकी टच स्क्रीन की लाइफ भी ज़्यादा चलेगी। आठवां पॉइंट, आप फ़ोन को बार बार चार्ज मत करिए। जैसे कि अभी 30% चार्ज कर दिया, फिर 1 घंटे बाद वापस डिस्चार्ज होंगे, फिर आप उसको चार्ज में डालेंगे, इससे अच्छा है आप एक बार में पूरा चार्ज होने दीजिए, इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है। नवां पॉइंट, चार्जिंग के दौरान आप फ़ोन को बिल्कुल काम में ना ले, इससे फ़ोन के फटने की संभावना तो रहती ही है और चार्ज होने में भी 1.5 से 2 गुना टाइम लेती है। और फ़ोन को चार्ज करने से पहले आप ब्राइटनेस कम कर दीजिए और मोबाइल डाटा भी ऑफ कर दीजिए, इससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है। दसवां पॉइंट, अगर आप फ़ोन की ब्राइटनेस हमेशा फुल रखते हैं और मोबाइल पर लाइव वॉलपेपर जैसे तैरती मछली और पानी वाले वॉलपेपर सेट करके रखते हैं, ये दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। और ब्राइटनेस भी आप 30 से 40% के बीच में रखें, इससे आपके आँखों को भी नुकसान नहीं होगा और आप आसानी से कंटेंट पढ़ सकते हैं। 11वां पॉइंट, आप फ़ोन को कभी भी 0% तक डिस्चार्ज मत होने दीजिए, क्योंकि फिर वापस चार्ज में लगाते समय आपके फ़ोन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी और इससे आपके बैटरी के सेल डैमेज होंगे। 12वां पॉइंट, अगर आप GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट 24 घंटे ऑन रखते हैं तो आप उसे बंद रखिए, जब आपके काम आए तभी चालू करिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। 13वां पॉइंट, आपके स्टोरेज में जो कैचर डाटा होता है उसे हमेशा क्लीन रखिए,
ये एक प्रकार का कचरा है जो हमारे नेट चलाने, गेम खेलने और दूसरी एक्टिविटी करने के दौरान हमारे फ़ोन में जमा होता रहता है। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारे स्टोरेज भरने का काम करता है, इसलिए आप हमेशा उसे क्लीन रखिए। 14वां पॉइंट, हफ्ते में कम से कम एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट जरूर करिए, इससे फ़ोन में एनर्जी लेवल बना रहता है, जैसे कि फ़ोन सही काम करता है। 15वां पॉइंट, रीसेंट ऐप क्लियर करते रहिए ताकि रैम मैनेजमेंट आपके फ़ोन का अच्छा हो। आप दिन भर में जो भी ऐप काम लेते हैं उसको रात में एक बार पूरा क्लीन कर दीजिए, इससे रैम मैनेजमेंट सुधरेगा और आपका फ़ोन ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। 16वां पॉइंट, ये तो फ़ोन के अंदर आपको क्या काम करना है उसकी बात हो गई, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल कार्य पर। आप अपना जब भी नया फ़ोन ले उस पर एक ग्लास और कवर अवश्य लगाएं, ताकि बाई चांस कभी आपका फ़ोन नीचे गिर जाए तो आपके टच और डिस्प्ले हमेशा सेफ रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना लाता रहता हूँ ऐसा ही वीडियो।